Hey guys, what is up? क्या हाल चाल है हम लोगों के? और दोस्तों आज हम बात करने वाले एक स्मार्टफोन के बारे में। बहुत टाइम बाद भाई हमारे चैनल पर कोई स्मार्टफोन की वीडियो आई है, और ये जो फोन है ये है टेक्नोस्पार्क 8T। ऑब्वियसली ये 70 का सक्सेसर है और कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, और आज हम इस फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स देखेंगे और मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन भी दे दूंगा। और एक और चीज़ की ये जो फोन है ये भाई मुझे ब्रांड ने ही सेंड किया है, तो खोल लेते हैं इसका डब्बा और देखते हैं भाई फोन कैसा है। और वीडियो चालू करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो फोन का बॉक्स जैसा देख सकते हो कुछ इस तरह से है, पीले कलर का डब्बा है, 8T लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसके पीछे इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं। तो 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिलेगा, 1080p का रेजोल्यूशन है, 5000mAh की बैटरी है, हीलियो G35 यहाँ पर प्रोसेसर है, DTS स्टीरियो साउंड इफेक्ट और सुपर बूस्ट सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन। और इसका जो प्राइस पीछे लिखा है वो लिखा है 12,999 रुपये, लेकिन ये जो वेरियंट है 4GB 64GB वाला वेरियंट ये आएगा 9,000 रुपये में। तो जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं, और ये रहा हमारा फोन। और फोन जैसा देख सकते हो सबसे पहले ऊपर की तरफ ही आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से है, और पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसके ऊपर एक रैपर है तो मैं इसको हटा देता हूँ, और ये कुछ इस तरह से फोन दिखता है। और यहाँ पर ये जो कलर है ये मेरे पास है ब्लू अटलांटिक कलर, तो एक बार इसको साइड में रखते हैं बाकी बॉक्स के कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो बॉक्स में इसके अलावा यहाँ पर इसका जो केस आपको देखने को मिलता है ये TPU केस है, तो ट्रांसपेरेंट सा कुछ आपको मिलेगा तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, यहाँ पर 12 मंथ की वारंटी है तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक 5W 2A का एक चार्जर देखने को मिलता है, और उसके साथ आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल भी देखने को मिलेगी। वैसे केबल की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो केबल है ये USB A to Micro USB केबल है, और 2021 या फिर मैं बोलूँ 2022 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि USB C होता तो थोड़ा बेटर रहता। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो इस बॉक्स में है वो है यहाँ पर हमारी सिम इजेक्टर पिन। तो ये तो थे भाई बॉक्स के कॉन्टेंट, और अब आ जाते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। तो सबसे पहले तो फ़ोन के बैक की जो लुक है जैसा देख सकते हो ये कुछ इस तरह से रहती है, और अटलांटिक ब्लू जो कि डार्क ब्लू सा कलर है उसमें भाई कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। और दिखने वाइज तो मैं बोलूँगा कि वैसे काफ़ी सही लग रहा है, लग नहीं रहा है कि भाई 8-9 हज़ार का फ़ोन है, लेकिन यहाँ पर भाई काफ़ी ग्लॉसी यहाँ पर फिनिशिंग है तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट रहने वाला है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसा देख सकते हो पीछे स्टॉप एट नथिंग टेक्नोस्पार्क की ब्रांडिंग है, ये एरिया मैट टाइप का है तो ग्लॉसी प्लस मैट की यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है। और पीछे यहाँ पर जैसा देख सकते हो इसका जो कैमरा मॉड्यूल है कुछ इस तरह से रहता है, इसमें आपको यहाँ पर दो कैमरा दिए हुए हैं 50 मेगापिक्सल, और ये डेप्थ सेंसर है और नीचे फ्लैश है, और इसी में आपको यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी बड़ा सा ऐसे कैमरा मॉड्यूल बनाया हुआ। लेकिन लुक वाइज तो यहाँ पर जैसा देख सकते हो मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है, और इन हैंड फील भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही है। 5000mAh की बैटरी तो उसके हिसाब से तो इन हैंड फील भी मुझे सही लग रही है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, आई थिंक 197 ग्राम के करीब इसका वेट है। और ऑब्वियसली ये जो फ़ोन है काफ़ी ग्लॉसी सा है, तो मैं बोलूँगा कि इस पर जो केस वगैरह आप लगा के रखोगे तो थोड़ा सा बेटर है, स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते। और इसके साथ जो ये केस आया था उसके साथ ये फ़ोन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कैसी लग रही है आपको इसकी लुक मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद इसके फ्रंट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 6.6 ऑलमोस्ट 6 इंच की यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है, एक्जैक्टली बोलो तो 6.58 इंच की स्क्रीन है। और इसको ऑन कर लेते हैं, तो सबसे पहले टेक्नो की यहाँ पर ब्रांडिंग है, तो जब तक ये ऑन हो रहा है बाकी जो ओवरव्यू उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो फ़ोन के राइट साइड में यहाँ पर एक पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सिम ट्रे रहेगी, और भाई इसका जो सिम ट्रे इजेक्टर पिन है पता नहीं इतना छोटा सा था कहाँ रख दिया मैंने, तो मिल गया। और यहाँ पर आपको ट्रिपल जो सिम स्लॉट्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप 2 सिम और 1 यहाँ पर SD कार्ड लगा सकते हो। उसके बाद फ़ोन के नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है, हेडफोन जैक है, और प्राइमरी यहाँ पर माइक्रोफोन है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इसका सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा ड्यू ड्रॉप नॉच में, और इसका जो सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, तो कैमरास को हम थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। लेकिन अब मैं जल्दी से इसको यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ और देखते हैं भाई इसके फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा देख सकते हो यहाँ पर ये हाई OS इसमें आपको देखने को मिलता है, बेसिकली ये एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर सेटअप कर लेता हूँ। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर अभी तक नोटिस करी कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो वैसे काफ़ी अच्छी खासी, आई थिंक 500 nits के करीब ब्राइटनेस है, तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है। तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको भी यहाँ पर जल्दी से सेटअप कर लेते हैं, और सेटअप हो चुका है। उसके बाद इसका जो फेस अनलॉक है इसे भी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये भी सेटअप हो गया जल्दी से। तो फाइनली हमारा यहाँ पर ये जो फ़ोन है ये सेटअप हो गया है, और यहाँ पर लिखा रहा है हाई OS लॉन्चिंग, तो ये जो स्क्रीन है जैसा आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला ना इसकी जो स्क्रीन है यहाँ पर वैसे काफ़ी ब्राइट है, तो मैं यहाँ पर इसको ऑटो पे हटा कर थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस है उसे कम कर देता हूँ, तो कैमरे में भी थोड़ा ठीक से दिखना चाहिए। उसके अलावा जैसा आप देख सकते हो UI है इसका कुछ इस तरह से दिखता है, और अगर आप इसको स्वाइप करते हो ऊपर से नीचे की तरफ तो आपके जो ऐप्स वगैरह हैं
वो आप देख पाओगे। और सबसे पहले चीज यार आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको बहुत सारी ऐप है ऑलरेडी इंस्टॉल करके दी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इनमें से कोई भी ऐप जो यूज नहीं करना चाहते हो उसको भाई अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूं जो जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे ये है इसको भी यहां पर अनइंस्टॉल कर सकते हो, और जैसे इस पर टैप करते हैं अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो अच्छी बात है कि आप इसमें से ऐप्स हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो ये सारी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने बताया यहां पर अभी ये एंड्रॉइड 11 है, तो यहां पर सिस्टम में जाते हैं और यहां पर मैं जाता हूं माय फोन में, तो यहां पर आप देख सकते हो हाई ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 7.6 और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन है 11, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। उसके बाद एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच यहाँ पर नवंबर का है, तो ये ठीक है। और बाकी जितनी भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है आप देख सकते हो, तो 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, 8MP का सेल्फी कैमरा है, 50MP का ड्यूल कैमरा है, हीलियो G35 5000mAh की यहाँ पर बैटरी है और फुल HD आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने को मिलती है, एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। तो ये इसकी भाई स्पेसिफिकेशन। तो एक बार इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसे भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टैप करूंगा और देख सकते हो यहाँ पर ये जल्दी से अनलॉक हो गया, और इसे मैं टैप करूंगा और यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर काफी फास्ट है, लेकिन अब इसका जो फेस अनलॉक है उसे भी चेक कर लेते हैं। और फेस अनलॉक के लिए मुझे इसको स्वाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे टेल करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर अनलॉक हो गया। दोबारा से एक बार टेस्ट कर लेते हैं और मैं वापस से इसको स्वाइप करता हूँ, और जैसे मैं इधर करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर अनलॉक हो गया। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन काफी अच्छे से काम कर रहा है। और इसके अलावा इस फोन में आपको यहाँ पर फुल HD स्क्रीन मिलती है, तो ये अच्छी चीज है। 10,000 के नीचे है भाई, कई फोन्स में तो HD स्क्रीन आपको दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन है वो काफी शार्प है। और स्क्रीन के यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं वो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर काफी सही है। वैसे LCD स्क्रीन है लेकिन जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफी सही है, फुल HD है, तो आप इसमें मूवीज वीडियोज वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा इसके स्पीकर्स भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई म्यूजिक चलाता हूँ कॉपीराइट फ्री। तो यहाँ पर आपको नीचे डाउन फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, तो जो साउंड है वो आपको यहाँ पर नीचे से आ रही है। और इसके बॉक्स पे लिखा था कि DTS साउंड, तो मुझे लगा था कि इसके जो ईयर पेस है उससे भी साउंड आएगी, तो स्टीरियो इफेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको नीचे सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर ही देखने को मिलता है, यहाँ ईयर पेस से जो साउंड नहीं आती है। लेकिन जो वॉल्यूम लेवल है वो मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऐसे लाउड भी नहीं है और इतना लो भी नहीं है। उसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको 50MP का जो प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैमरा वाला जो इसका ऐप है इसे ओपन कर लेते हैं, तो कैमरा इंटरफेस देख सकते हो कुछ इस तरह से रहता है, और यहाँ पर जो कुछ ऑप्शंस हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो स्लो मोशन है यहाँ पर, वीडियो, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और AR शॉट। ऊपर की तरफ यहाँ पर जैसे देख सकते हो सेटिंग के ऑप्शंस हैं, और उसके बाद यहाँ पर HDR वगैरह ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो अब एक बार इसका जो कैमरा है उसे टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। वैसे तो मैं अभी स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन में हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसा देख सकते हो फोटोज हैं वैसे काफी डिटेल्ड है। तो ये इसका नॉर्मल कैमरा है, लेकिन अगर आपको 50MP वाला कैमरा यूज करना है तो यहाँ पर आपको ये अल्ट्रा HD पे टैप करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 50MP ऑन। तो अब एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं भाई 50MP में कितना यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये हमारे नॉर्मल कैमरा से फोटो है, और डिटेल वाइज यहाँ पर जैसा देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर ये 50MP से मैंने फोटो खींची है, और यहाँ पर और थोड़ी डिटेल में आप फोटोज वगैरह देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है 50MP में डिटेल्स में। उसके बाद इसका सेल्फी कैमरा उसे भी टेस्ट कर लेते हैं, और सेल्फी कैमराज की फोटोज जैसा देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहती है। मैं बोलूँगा कि 8MP का कैमरा है, तो जो डिटेल्स हैं यहाँ पर ठीक ठाक है। उसके अलावा एक और फोटो खींची है मैंने यहाँ पर, और देख सकते हो कुछ इस तरह से। और इसका एक बार सेल्फी पोर्ट्रेट है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, और सेल्फी पोर्ट्रेट है जैसा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आया है, और यहाँ पर पीछे वैसे अच्छा खासा ब्लर है, और पोर्ट्रेट का जो इफेक्ट है वो भी मैं बोलूँगा कि ठीक है। और इवन जो यहाँ पर स्किन टोन्स है वो भी बोलूँगा कि काफी सही है। डिटेल्स भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, जैसे मैंने बताया 8MP का ही कैमरा है। बाकी दोस्तों इस फोन में जैसे मैंने बताया था इसमें आपको हीलियो G35 देखने को मिलता है, और वैसे तो इसको गेमिंग प्रोसेसर बोलते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेसर रहता है ये 10,000 के नीचे फोन्स में आपको यूजली देखने को मिल जाता है। और अभी तो भाई इसका बेंचमार्क्स वगैरह चल रहे हैं, तो एक बार चलने दो बेंचमार्क्स क्या क्या स्कोर्स आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इस प्रोसेसर के बारे में। और उसके बाद इसको ऑब्वियसली हम BGMI जैसी गेम में भी ट्राई करेंगे, और देखते हैं कि हीलियो G35 में अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी हो तो किस सेटिंग्स में आप गेमिंग कर सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा हाई एंड ये प्रोसेसर नहीं है, लेकिन आई थिंक कैजुअल गेमिंग वगैरह तो कर ही सकते हो, लेकिन उसको भी थोड़ी देर में टेस्ट करते हैं, होने दो बेंचमार्क। तो फाइनली बेंचमार्क हमारे हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो Antutu का स्कोर है वो है 1,12,000, तो 1,00,000 से ऊपर है, तो ये एक्सपेक्टेड है इस प्रोसेसर के साथ। उसके अलावा Geekbench का स्कोर जैसा आप देख सकते हो सिंगल कोर और मल्टी कोर कुछ इस तरह से है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको जो वाइडबैंड L1 का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, L3 का यहाँ पर सपोर्ट है। वैसे तो ये फुल HD स्क्रीन है, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि वाइडबैंड L1 होता तो थोड़ा सा और बेटर रहता। मीडिया कंजप्शन के हिसाब से यहाँ पर स्क्रीन काफी सही है, लेकिन यहाँ पर HD कंटेंट आप जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में नहीं देख पाओगे, तो ये एक चीज है। उसके अलावा हमने यहाँ पर PUBG से इंस्टॉल किया है, और यहाँ पर सेटिंग में अगर मैं यहाँ पर ग्राफिक्स में जाऊँ तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो है यहाँ पर स्मूथ और मीडियम, तो यानी कि आप इसमें जैसे कॉल
कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, इस तरह की जो गेम्स हैं इसको आप लो सेटिंग्स पे या फिर मीडियम सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। हाई सेटिंग्स पे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते इस प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा इस फोन में आपको सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो जायरो सेंसर है वो आपको नहीं मिलता है। तो जो लोग पबजी जायरो के साथ खेलते हो तो वो वैसे नहीं खेल पाओगे। तो दोस्तों ये तो है टेक्नो स्पार्क 8T, और दिखने में तो यार इसकी लुक वैसे काफ़ी अच्छी खासी लग रही है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इसके बाद इसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर फुल HD है, तो 10,000 के नीचे आपको यहाँ पर फुल HD मिलता है, तो ये सही है। अगर आप मीडिया कंजप्शन के हिसाब से यहाँ पर ये फोन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, और फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से यहाँ पर जो कैमरा है वो भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है। बट कुछ चीज़ें इसमें और ऐड होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है, USB-C होता थोड़ा सा बेटर रहता। और इसके अलावा इसमें आपको वाइडबैंड L3 का सपोर्ट दिया हुआ है, L1 रहता तो थोड़ा यहाँ पर जो फुल HD इसकी काफ़ी अच्छी खासी है तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से यूज़ कर पाते। और उसके बाद इस फोन में आपको हीलियो G35 देखने को मिलता है, और उसकी परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक रहती है। बहुत सारे जो 10,000 के नीचे फोन रहते हैं उसमें ये प्रोसेसर यूज़ किया होता है, लेकिन कुछ फोन है जिसमें आपको हीलियो G85 भी देखने को मिल जाता है 10,000 के नीचे, लेकिन फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। वहाँ पर आपको HD स्क्रीन मिलती है कई फोन्स में, लेकिन यहाँ पर आपको फुल HD मिलता है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आपको मीडिया कंजम्पशन के हिसाब से फ़ोन चाहिए तो ये फोन इस प्राइस पॉइंट में मेरे को लगता है काफ़ी सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये तो थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन टेक्नो स्पार्क 8T के बारे में, और आपको कैसा लगा ये फोन मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।